यहाँ से एक पपीस की रोने की आवाज आ रही थी। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये पपी यहाँ गंदी सी जगह फंसा हुआ मिलता है, लेकिन ये तो ब्लैक पपी है। फिर खुरापाती बच्चे मेरी हेल्प करने आ जाते हैं। घंटों तक ढूंढने के बाद हमें दूसरा पपी भी मिल जाता है, लेकिन इसकी डेथ हो चुकी है। बेचारा, ये तो टाइम से ही छोड़कर चला गया हमें। ये इस डॉगी की वजह से हुआ है। इसको यही नहीं पता अपने बच्चों को कहाँ रखना चाहिए। फिर गड्ढा खोदकर इसको अंतिम विदाई देते हैं। फिर मैं इन दोनों पपीज को घर ले आता हूँ। अब से हमारे घर ही रहा करेंगे। इन्हें आते ही प्लूटिंगो इनसे मिलने आता है। बोल रहे हैं छोटू मोटू से कौन है। इनको आते ही मम्मी इनको टीका लगा देती है। फिर इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। फिर मैं इनको दूध देता हूँ। देखो दूध को आते ही कितना मोटा मुंह खोल रहा है। फिर दूध के चक्कर में भी इनकी आपस में फिर से लड़ाई हो जाती है। फिर ये दूध में ही पैर लेकर घुस जाते हैं। सारा दूध चारपाई पर ही गिर गया। फिर इनका छोटा सा बिस्तर तैयार करके इनको पैक करके सुला देता हूँ। फिर बहुत दिनों बाद आज हमारे घर स्नो वाइट आती है। फिर इससे मिलकर देखता हूँ कि प्लूटो की आंखों में कुछ दिक्कत हो गई है। रेड रेड आईज हो गई प्लूटो की सारी।